guilt of an idiot. Where's ignorant. Ignorant. How's that ignorant? इंदर में नई शाखा ओपनिंग हुई है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आज जेनरिक आधार की मीरा भाईंदर में जेनरिक आधार की फ्रेंचाइजी जो कि तेजस जी ने ली है, अभी ये माध्यम से मीरा भाईंदर के लोगों को एफोर्डेबल मेडिसिन मिलने को शुरू हो जाएंगे। आज 15 अगस्त के दिन मुझे एक बहुत खुशी होती है। आज पूरा सुबह से हम लोग स्टोर का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट का लॉन्चिंग कर रहे हैं। आज वेयरहाउस में हमारा ग्रैंड लॉन्चिंग हुआ, इंसुलिन जो रहते हैं जो डायबिटिक में लोगों के काम आते हैं, उसके बाद में एमोक्सिसिलिन जो टैबलेट है 625 mg उसका लॉन्चिंग किया, पैरासिटामोल इंजेक्शन का लॉन्चिंग किया। अभी ये सब जो प्रोडक्ट जेनरिक आधार के छत के अंदर में आ रहे हैं, जो अभी लास्ट मंथ में हम लोग ने प्रोटीन पाउडर है, लिंसीड ऑयल है, उसके बाद में एंटासीड है, अलग अलग अस्थमा के स्प्रे है। अभी MNC जो कंपनीज है वो 10 रुपये के चीज़ को 1000 रुपये में बेचती है, 2000 में बेचती है। मैन्युफैक्चरिंग होता है वो अपने WHO GMP में ही होता है। जेनरिक आधार जो 2 साल से 3 साल से मैं पूरे हिंदुस्तान के जनता को अवेयरनेस कर रहा हूँ कि जेनरिक मेडिसिन ये हर एक लोगों को मिलनी चाहिए और वो उसके लिए हकदार है, क्योंकि इंडिया 90% मेडिसिन इंडिया एक्सपोर्ट करता है जेनरिक के आउट ऑफ इंडिया में, USA लेके एवरी डेवलप कंट्री में, बट हमारे लोगों को वो चीज़ के बारे में पता ही नहीं था हमारे इंडिया में क्या चीज़ है। आज 75 इंडिपेंडेंस डे है हमारे कंट्री का इंडिया में। आज मैंने एक मुहिम की शुरुआत की जेनरिक आधार के माध्यम से कि एक्सपेंसिव मेडिसिन मुक्त भारत की, तो ये मुहिम हम लोग पूरे हिंदुस्तान में चलाएंगे और अगले 2 साल में 130 करोड़ लोगों तक हम लोग एफोर्डेबल मेडिसिन पहुंचाने का हम लोग ने एक संकल्प लिया है। और वो हर एक प्रोडक्ट हो, अभी इंसुलिन की अगर मैं बात करके चलूँ डायबिटीज़ में, हमारे हर एक घर में हमारी दादी हो नानी हो किसी ना किसी को तो इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे प्रोडक्ट अस्थमा स्प्रे है, ऐसे प्रोडक्ट जो 300, 400, 500 मतलब अलग अलग प्राइस में बेचते हैं, वो अभी हम लोग ने अराउंड 50-60% लेसर प्राइस में लाया। इंडिया में बहुत कम कंपनी वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, उससे भी हमारी फार्मासिस्ट की टीम आ गया आके वो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा के लिया। तो अलग अलग चीज़ों में हमारी पूरी एक्सपर्टाइज फार्मासिस्ट टीम एक्टिवली काम कर रही है और पूरे अभी मीरा भाईंदर में हमारे जो फ्रेंचाइजी है तेजस जी के द्वारा जल्दी यहाँ से एफोर्डेबल मेडिसिन मिलने को सबको शुरुआत हो जाएगी। सर मीरा भाईंदर में तो शाखा खुली है, लेकिन जेनरिक आधार की शाखा हर जगह खुल रही है, सस्ते दामों में दवाई मिल रही है। सिर्फ यही कारण है कि दवाइयों का फायदा भी अच्छा होता है, इस क्या कारण है कि जेनरिक आधार की ब्रांच सब्जेक्ट? क्योंकि जो मेडिसिन है वो हम लोग एंश्योर करते हैं अंडर वन रूफ हर एक प्रोडक्ट अवेलेबल हो। अभी कैसे होता है, कोई MNC कंपनी होता है, किसी के पास में 10 प्रोडक्ट होते हैं, किसी के पास में 20 प्रोडक्ट होते हैं। जेनरिक आधार एकमात्र ऐसी कंपनी है अंडर वन रूफ में थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट हम लोग अवेलेबल करवा के दे रहे हैं। जो डिमांड है, जो ईच एंड एवरी नॉर्थ में जाइए जेनरिक आधार चल रहा है, साउथ में जाइए, आसाम में जाइए, कन्याकुमारी में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, सब जगह पे जेनरिक आधार चालू हो रहा है, क्योंकि एक सपना है, एक सबकी एक विचारधारा को हम लोग एक साथ लेके चल रहे हैं। मैंने भी 16 साल की उम्र में जेनरिक आधार की जब शुरुआत की थी 2-3 साल पहले, तो एक ही विचार से की थी कि कोई भी हिंदुस्तानी हमारा मेडिसिन महंगी है एक कारण से मरना नहीं चाहिए, हर एक को उसका हक है वो मिलना चाहिए। अभी हम लोग जो छोटे रिटेलर है इंडिया में 10 लाख से ज़्यादा छोटे रिटेलर है, उनको हमारे साथ में लेके काम कर रहे हैं, उनको एक री लाइफ दे रहे हैं। आजकल बड़े बड़े मॉल्स आ रहे हैं ऑनलाइन वाले, बड़े बड़े कांच के दुकानें आ रहे हैं, मॉल्स आ रहे हैं, तो वो से हमारा छोटा दुकानदार बिजनेस में इफेक्ट हो रहा है। आज तेजस जी को भी एक खुद का बिजनेस नया मेडिकल के द्वारा चालू करना था, तो उन्होंने भी जेनरिक आधार का फ्रेंचाइजी लेके उनको भी एक हम लोग ने सपोर्ट दिया, खुद का बिजनेस करिए, हर एक प्रोडक्ट हम लोग ने अवेलेबल करवा के जेनरिक आधार का एक उनको ब्रांड नेम दिया। सर आपने जैसा बताया कि 16 साल बाद जेनरिक आधार शुरू करने के पीछे का पहला रीज़न तो ये था कि आपको एक बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, साथ ही साथ समाज की सेवा करने का भी अपॉर्चुनिटी मिलता है। जो लोगों पर दवाइयों का भार है, मेडिसिन का भार है, कि मतलब बीमारी है पर दवाइयों के दाम बढ़ने के कारण आप उसको ट्रीटमेंट सही से कर नहीं पा रहे हो, तो वो जो पार्ट आता है उसके अंदर आपको बेसिकली एक सेवा करने में मिल जाती है और आपको जेनरिक आधार की तरफ से जो है एक
बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है कि अभी करंटली अगर आप मेरा सिनेरियो देखो तो जेनेरिक आधार ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है कि जॉब छोड़कर जो है आप एंटरप्रेन्योरशिप में भी आप चले जा सकते हो। सो वो तो एक पार्ट आ गया। दूसरा ये है कि अर्जुन सर मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, मतलब मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश का जो युवा है उनके लिए उन्होंने मिसाल कायम करी है कि एक 16वें साल के उम्र में इन्होंने एक मल्टी मिलियन डॉलर एक कंपनी उन्होंने स्थापन करी है जेनेरिक आधार। एंड उसका जो कार्य है जेनेरिक आधार का वो इतना खूबसूरती से उन्होंने पूरा किया है कि मतलब जो भी अपना समाज है उसको काफ़ी अच्छा बेनिफिट प्राप्त हुआ है।